स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गूगल क्लासरूम में किस तरह से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपके टीचर आपको गूगल क्लासरूम की इनविटेशन लिंक भेजते हैं और वो आपको बोलते हैं कि आपको उनकी बनाई हुई गूगल क्लासरूम में एज ए स्टूडेंट ज्वाइन होना है, तो आप वो किस तरह से कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट ज्वाइन होने के बाद अगर आपके टीचर आपको कोई होमवर्क देते हैं या कोई असाइनमेंट देते हैं, तो आपको उसको किस तरह से सबमिट करना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें दिखाने वाला हूँ। सो गूगल क्लासरूम को आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से किस तरह से गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करना है एज ए स्टूडेंट, ये बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरी मोबाइल स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पर सर्च करा क्लासरूम, ठीक है। सो जैसे ही मैंने क्लास वर्ड यहाँ पर टाइप करा है, आपको गूगल क्लासरूम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, सो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सो मैंने इंस्टॉल के आइकन के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। सो ये इंस्टॉल हो रहा है, 46% ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। सो जब गूगल क्लासरूम आपके मोबाइल में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए, सो आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अपने एक मेल अकाउंट को, जीमेल के अकाउंट को लॉगिन करना रहेगा। अगर आपने पहले से लॉगिन करा हुआ रहेगा, ठीक है, मल्टीपल अकाउंट्स में, तो उनमें से किसी एक अकाउंट को आपको सिलेक्ट करना रहेगा जिसके थ्रू आप गूगल क्लासरूम यूज़ करना चाहते हैं या अपने टीचर के दी हुई क्लासरूम के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आया है और यहाँ पर मेरे कई सारे ईमेल एड्रेस हैं जो वो मुझसे पूछ रहा है। सो यहाँ पर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट करके गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर सकता हूँ। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो ईमेल एड्रेस आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन करते समय सिलेक्ट करा है, आपको हमेशा उसी ईमेल को, उसी अकाउंट को अपने गूगल क्लासरूम में ओपन करके रखना है। अगर आप उसको चेंज कर देंगे, तो आपके जितने भी क्लासरूम हैं, जो भी क्लासरूम आपने एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करे होंगे, वो आपको दिखना बंद हो जाएंगे। सो एक बार ज्वाइन होने के बाद आपको अपने डिवाइस में गूगल क्लासरूम के अंदर जीमेल अकाउंट को चेंज नहीं करना है, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे मैं किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट के थ्रू ज्वाइन हो रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपको नया अकाउंट ऐड करना था, सो यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन भी आपको दिख रहा था, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इस स्क्रीन पे मेरे पास आया है कि इस अकाउंट से आप अभी तक किसी भी क्लासरूम में ज्वाइन नहीं हुए हैं, ठीक है। सो क्लासरूम में कैसे ज्वाइन होंगे वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो क्लासरूम में ज्वाइन होने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। या तो आपको आपके टीचर एक इनविटेशन लिंक भेजेंगे जिसके थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट और ज्वाइन योर फर्स्ट क्लास। सो यहाँ पे ये जो प्लस का बटन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये आपको दो ऑप्शन देता है, क्रिएट क्लास या ज्वाइन क्लास। अगर आपके पास आपके टीचर का दिया हुआ इन्विटेशन है या अगर टीचर ने आपको कोई कोड दिया है, ठीक है, सो आप उस कोड को यहाँ पे ज्वाइन क्लास के अंदर इंसर्ट करके भी ज्वाइन हो सकते हैं या फिर इन्विटेशन लिंक के ऊपर क्लिक करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इनविटेशन लिंक के थ्रू दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम ज्वाइन होते हैं, ठीक है। ठीक है, सो सपोज करिए मेरे टीचर ने मुझे गूगल क्लासरूम का जो इनवाइट है वो मेल पे भेजा है। सो सबसे पहले हम मेल पे चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैंने जीमेल ओपन करा है, ठीक है। सो यहाँ से मैंने ये मेरा जीमेल अकाउंट ओपन कर लिया है क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे इनवाइट जीमेल अकाउंट पे भेजा है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे क्लास इनविटेशन आया है और यहाँ पे मुझे ज्वाइन का बटन दिखाई दे रहा है। आपको हो सकता है कि आपके टीचर ने लिंक भेजी हो, सो आप लिंक के थ्रू भी ज्वाइन हो सकते हैं। सो यहाँ पर इनविटेशन के अंदर मुझे ज्वाइन बटन मिला। ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे मोर का ऑप्शन मिला। मोर के ऑप्शन में मुझे गूगल क्लासरूम का ऑप्शन दिख रहा है, सो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही मैंने क्लासरूम को सिलेक्ट करा, मैं जिस अकाउंट से लॉग इन था, ठीक है, उसके बावजूद भी क्योंकि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम किसी क्लास को, सो ये मुझसे पूछ रहा है कि आप किस अकाउंट से ज्वाइन होना चाहते हैं। सो मुझे बहुत ही केयरफुली ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैं जिस अकाउंट से लॉगिन होना चाहता हूँ या ज्वाइन होना चाहता हूँ गूगल क्लासरूम के अंदर, अपने टीचर की तरफ से जो मुझे इनविटेशन लिंक मिला है उसके थ्रू, वही अकाउंट मुझे सिलेक्ट करना है। अगर आपने कोई दूसरा अकाउंट सिलेक्ट कर लिया, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर अकाउंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्रोसेस रन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब मैं इस
क्लासरूम के अंदर ज्वाइन हो चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे टीचर के द्वारा भेजे गए क्लासरूम के अंदर मैं यहाँ पे ज्वाइन हो चुका हूँ, ठीक है। तो ये मेरी क्लास है जिसमें मैं ज्वाइन हो गया हूँ। अब इस क्लास के अंदर आपको ये तीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ से आप अनइनरोल हो सकते हैं। अगर आपको क्लास को लीव करना है तो आप यहाँ से अनइनरोल हो सकते हैं, ठीक है। आपको नहीं करनी है, आपको खुद से अनइनरोल नहीं करना है, ठीक है। आपको जब भी क्लास को ओपन करना है, ठीक है। अब ज्वाइन होने के बाद मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि क्लास के अंदर कैसे आना है। सपोज करिए आप बैक आ चुके हैं, सो अब अगर आपको वापस से क्लासरूम में जाना है तो आप क्लासरूम के ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लासरूम के ऐप आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से क्लासरूम दिखाई देगी, ठीक है। और आपको क्लासरूम के सेंटर पे टैप करना है, ठीक है, एक बार। सो आप क्लासरूम के अंदर आ जाएंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे टीचर ने एक असाइनमेंट दिया हुआ है, ठीक है। सो मैं उस असाइनमेंट के ऊपर एक बार सिंगल टैप करके ओपन कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये असाइनमेंट का टाइटल क्या है, असाइनमेंट्स के कितने पॉइंट हैं, ठीक है। असाइनमेंट के अंदर कौन से अटैचमेंट दिए हुए हैं टीचर ने, सो मैं उस अटैचमेंट को ओपन कर सकता हूँ। या तो वो गूगल फॉर्म हो सकता है, या कोई वर्ड फाइल हो सकता है, पीडीएफ फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो उन्होंने आपको एज अ वर्क असाइन करा है। अब अगर आपको इस असाइनमेंट को सबमिट करना है, अपने टीचर को रिटर्न करना है असाइनमेंट, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है योर वर्क, और योर वर्क के पास में आपको ये एरो दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इस एरो के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस वर्क वाले सेक्शन को ऊपर की तरफ स्लाइड कर सकते हैं। अगर आपने असाइनमेंट देख लिया है, असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, सो फिर आप उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। सो यह आपको यहाँ पे, सो यहाँ पर आपको ऐड वर्क का ऑप्शन मिल रहा है। ऐड वर्क के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, ड्राइव के थ्रू आपको ऐड करना है, कैमरा के थ्रू फोटो क्लिक करना है, कोई फोटो अगर आपने क्लिक करके रखी हुई है सो आप उसको अपलोड करना चाहते हैं, कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप क्रिएट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो सपोज करिए आपको फोटोज़ ही अपलोड करने हैं डायरेक्टली कैमरा के थ्रू, सो आप कैमरा के ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, टेक अ फोटो का ऑप्शन आ रहा है, और रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। तो सपोज करिए आपने यहाँ पर टेक अ फोटो के ऊपर क्लिक करा तो आपका कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको फोटो क्लिक कर लेनी है, ठीक है। आपने फोटो क्लिक कर लिया, आप ओके के बटन पर क्लिक करिए और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फोटो जो है वो अटैच हो जाएगा एज अ वर्क। सो आप मल्टीपल फोटोज भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। सो आप जितने भी वर्क को अटैच करना चाहते हैं आप मल्टीपल चीज़ों को अटैच कर सकते हैं। जैसे अभी मेरी एक फाइल अटैच हो रही है, मैं आपको एक और फाइल अटैच करके बता दूंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। सो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे दो फोटोज अटैच हो गए हैं। अब जब आपको लगता है कि आपने सारे फोटोज क्लिक कर लिए हैं, आपने अपना पूरा वर्क अटैच कर दिया है, सो अब आपको लास्ट ऑप्शन क्या करना है, आपको करना है हैंड इन या फिर टर्न इन। इसका मतलब होता है कि ये जो चीज़ें आपने अटैच करी हैं ये आप सबमिट करना चाहते हैं। सो जैसे आप हैंड इन या फिर टर्न इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से मैसेज मिलेगा, टू अटैचमेंट्स विल बी सबमिटेड फॉर योर गिवन वर्क, ठीक है। सो आपको हैंड इन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो आपको दिखेगा कि आपका जो वर्क है वो सबमिट हो गया। यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया, वर्क सबमिटेड, ठीक है। अब जब तक आपके टीचर इसको चेक नहीं कर लेते हैं तब तक आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जैसे ही वो इसको चेक कर लेंगे आपको पॉइंट्स जो हैं वो असाइन हो जाएंगे। बट जब तक आपके टीचर इस चीज़ को चेक नहीं कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत सबमिट कर दिया है तो आप यहाँ से अनसबमिट कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपने सही चीज़ को सबमिट करा है तो आप इसको नीचे की तरफ पुश कर दीजिए, ठीक है। सो आपने दो चीज़ें यहाँ पे अटैच कर दी हैं, हैंड इन क्योंकि इसका जो ड्यू डेट थी वो कल की डेट थी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हैंड इन डन लेट, ठीक है। सो अगर टीचर जब भी आपको कोई असाइनमेंट देते हैं और उस पर कोई ड्यू डेट देते हैं सो आपको उस डेट के अंदर उस चीज़ को सबमिट करना है। अभी यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं, टीचर ने आपको पॉइंट्स नहीं दिए हैं। अभी ये जो 5 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये जो भी उन्होंने वर्क असाइन करा था उसके पॉइंट्स हैं। अभी आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे जब यहाँ पे ये हैंड इन की जगह आपको दिख जाएगा कि आपको पॉइंट्स मिल चुके हैं। जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि आपके टीचर आपको किस तरह से मार्किंग करेंगे, ठीक है।
ठीक है। सो यहाँ पे अभी टीचर जो है वो आपको मार्क असाइन करेंगे। सो आपको दिखाई देगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। तो टीचर ने आपको मार्क्स असाइन कर दिए हैं। अब आपको दिखाई देगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। सो आपको एक बार रिफ्रेश करना है, ठीक है, बैक जाके वापस से आना है। ठीक है, सो देखिए अब यहाँ पे आपको मार्किंग मिल चुकी है। अभी तक यहाँ पे हैंड इन लिख के आ रहा था, यहाँ पे अब आपको दिख रहा है कि आउट ऑफ फाइव टीचर ने आपको फाइव मार्क्स दिए। ठीक है, सो फाइव मार्क का असाइनमेंट था, टीचर ने आपको पूरे मार्क्स दिए हैं। ठीक है, सो हैंड इन की जगह अब यहाँ पे आपको दिखने लग गया है फाइव मार्क्स। ठीक है, सो अगर टीचर आपको कम मार्क्स देते हैं और अगर वो कुछ कमेंट आपको करते हैं, सो आप वर्क को रीसबमिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे रीसबमिट करने का भी ऑप्शन है। सो अगर टीचर बोलते हैं कि आपको कुछ करेक्शंस करने हैं और उसके बाद वर्क को वापस से रीसबमिट करना है, सो आप रीसबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपके टीचर आपको जो भी वर्क असाइन करते हैं आपको उनको कंप्लीट करके उनको सबमिट करना है और उसके बिहाफ पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो आपको टीचर डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं, पीडीएफ फाइल भी भेज सकते हैं और यहाँ पे वो गूगल फॉर्म भी भेज सकते हैं। ठीक है, सो आपको उन सारी चीज़ों को ओपन करना है, उनको कंप्लीट करना है, उसको सबमिट करना है हैंड इन के थ्रू। ठीक है, अपने वर्क को अटैच करके और फिर आपको वेट करना है ताकि टीचर उसको चेक करके आपको रिमार्क्स और मार्क्स असाइन कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से आपको गूगल क्लासरूम का यूज़ करना है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो सो वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ।